हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल एट योर होम। हम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईसरगढ़। वी हैव स्टार्टेड द लेसन 4। सो द नेम ऑफ द लेसन इज़ अ इंडियन टाइगर। इफ़ यू हैव एवर सीन इंडियन टाइगर इन रियल देन प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, ओके? यस और नो। इफ़ यू हैव सीन देन यस, इफ़ यू हैव नेवर सीन देन नो। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि आपने अगर रियल में, असली में, मतलब सच्चाई में अगर आपने इंडियन टाइगर देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस कहिए, और अगर नहीं देखा तो नो कहिए। तो हाफ लेसन हमने पढ़ लिया था, और हाफ लेसन अब जो पढ़ेंगे हम, द नेक्स्ट वॉज वी आर हेयर फ्रॉम वी हैव Treat this lesson there, and today I'm going to start from there. The ability of big cats to roar is connected to the arrangement of bone. हमने पढ़ा था कि जो टाइगर होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, उनके जो धारियाँ होती हैं, और हमारे इंडिया में ही टाइगर हैं, 6 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकते हैं, वो शाम के टाइम अपना जो शिकार करते हैं, पूरा दिन सोते हैं, 16 से 18 घंटे उनकी स्लीपिंग टाइम जो होता है, फिर उसके बाद वो जो है धीरे धीरे अपने खुद ही अपना शिकार करना पसंद करते हैं ये, और ये जो है शेर की तरह झुंड में नहीं रहते, ग्रुप में नहीं रहते, और सो ये सब हमने पढ़े थे इस लेसन में, इस पार्ट में। सो आज हम आगे पढ़ेंगे। द एबिलिटी ऑफ बिग कैट्स टू रोर इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ बोन अंडर द टंग द बंगाल टाइगर इज़ अ वेरी पेशेंट एनिमल। हमें पता है कि जो एबिलिटी है बिग कैट्स की दहाड़ने की, मतलब कि एक बिल्ली की तरह दिखते हैं ये टाइगर, तो कैट की तरह, तो जो इन बिल्लियों के दहाड़ने की जो आवाज़ है वो कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स अंडर द टंग। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ जब दहाड़ती है, बोलती है, तो इनके जैसे इनकी आवाज़ आती है। द बंगाल टाइगर इज़ अ वेरी पेशेंट एनिमल। जो बंगाल टाइगर हैं बहुत ही धैर्य वाला पशु हैं। इट वॉचेज इट्स प्रे एंड वेट टिल द राइट टाइम टू मेक इट्स मूव। वो अपने शिकार को देखते रहते हैं, देखते हैं, पहले ध्यान से उस पर नज़र रखते हैं, देखते हैं, और सही समय का वेट करते हैं, फिर उसके बाद वो मूव करते हैं, यानी कि उनके इधर उधर हिलने का मूव, उनके पास आने का ऐसा कोई मूवमेंट जो होती है, फिर उस पर वो जाते हैं। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जो, उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है, मतलब कि जबड़ा जो उनका होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट कैचेज द प्रे बाय इट्स नेक एंड द स्ट्रॉन्ग जो एंड टीथ हेल्प द टाइगर टू किल इट्स प्रे। वो अपने शिकार को कैसे, उसकी नेक से पकड़ते, उसकी गर्दन से पकड़ते हैं उसकी, अपने शिकार को, और उसका जो स्ट्रॉन्ग जो होता है और उसके जो दांत होते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि उनके जो मुंह में जबड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग, उसकी टाइगर की हेल्प करता है अपने शिकार को एक सेकंड में मारने की, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइगर एक सेकंड में ही शिकार को झपक कर मार देता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसके पास देखने की तो पावर होती है, हमने पढ़ा था, उसके पास सूंघने की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इट कैन ऑल्सो सी क्लियरली इन द डार्क विच हेल्प्स इट टू हंट ड्यूरिंग नाइट टाइम। जो टाइगर होते हैं उनकी वो देख सकते, अंधेरे में भी बहुत साफ से देख सकते हैं, जो कि इनकी नाइट टाइम में शिकार करने में हेल्प करते हैं, इनकी आई साइट, यानी कि जो इनकी आँखें हैं इतनी तेज होती हैं कि वो अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख सकती हैं, जो और उनकी जो हेल्प करती है नाइट टाइम में शिकार करने की। बंगाल टाइगर कैन ऑल्सो स्विम एंड मूव क्वाइटली स्विफ्टली इन वाटर। बंगाल टाइगर है वो
पानी में भी तैर सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर मूव कर सकते हैं. दे हैव एबिलिटी टू शेड और ग्रो बॉडी देयर अकॉर्डिंग टू हाउ कोल्ड और हॉट इट गेट्स. जैसे उनके पास एबिलिटी होती है उन अपने बाल जो हैं, जैसे ज़्यादा सर्दी होती है तो अपने आप ही उनके बाल जो हैं उनके बॉडी पर आ जाते हैं. और मतलब कि ये कि उनके पास अपने बालों को उगाने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो सर्दी और गर्मी के मौसम में वो अपने आप को उस तरह से ढाल लेती हैं. टाइग्रेस आर डिवोटेड मदर हु केयरफुली प्रोटेक्ट देयर कब्स. टाइग्रेस होती हैं जो इन टाइगर हो गए बाघ और टाइग्रेस हो गई इनकी जो फीमेल. हमें पता है टाइगर तो मेल बाघ हो गया यानी, और जो टाइग्रेस होती हैं वो फीमेल टाइगर होती हैं. वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होती है, अपने बच्चों को बहुत ध्यान से वो उनकी रक्षा करती है. प्रोटेक्ट देयर कब का मतलब होता है उनके जो लिटल पेट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कब्स. तो उनकी बहुत केयरफुली उनकी रक्षा करती हैं. दे लुक आफ्टर देयर कब टिल द यंग वन आर अबाउट 2.5 ईयर ओल्ड. वो अपने बच्चों की तब तक केयर करती है जब तक कि उनका बच्चा जो है 2 या 2.5 साल का ना हो जाए. बंगाल टाइगर आर फुली ग्रोन एट 2 and 3 years ऑफ एज. बंगाल टाइगर जो है अपनी 2 और 3 साल की एज में फुल ग्रोथ हो जाता है, फुल बड़ा मतलब पूरा जितना बड़ा होना होता है वो हो जाता है. द मेल टाइगर वेटेड अबाउट 200 to 230 kilograms एंड इज़ अप टू 3 meters इज लेंथ. जो मेल टाइगर होते हैं वो 200 से 230 किलोग्राम तक का उनका वज़न होता है, वेट होता है, और उनकी जो लेंथ होती है वो 3 meters तक की लेंथ होती हैं. द फीमेल आर 131 to 170 kilograms एंड अप टू 2.5 meters लॉन्ग. उनकी जो फीमेल होती है वो 130 to 170 kilograms की उनका वेट होता है और 2.5 या हम बोल सकते हैं इसको 2.5 meters लॉन्ग जो उनकी लेंथ होती है. टू चेक द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया ए प्रोग्राम वो स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर. ये चेक करने के लिए टाइगर की घटती संख्याओं को चेक, क्योंकि जो टाइगर है वो बहुत कम होने लगे, उनकी जातियां जो है विलुप्त होने लगी थी यानी कि वो कम होने लगे थे, मरने लगे थे, तो उनको चेक करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया, स्टार्ट किया. कब किया? अप्रैल 1973 में वो प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया और उस प्रोग्राम का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर. बहुत इंपॉर्टेंट है रजे, आप इसको समझो पढ़ो. तो उसका नाम था, उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट टाइगर, और वो कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 1973 में. दिस प्रोजेक्ट्स एम्स टू सेव टाइगर फ्रॉम डाइंग आउट. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये होता था कि जो टाइगर मर रहे हैं उनको बचाना, डाइंग आउट उनको सेव करना, बचाना जो मर रहे थे. सिंस बीन द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ शोन अ स्लाइट इंक्रीज. और उसके बाद ये देखा गया कि टाइगर की जो पॉपुलेशन जो ख़त्म हो रही थी, कम हो रही थी, उसमें थोड़ी सी इंक्रीजिंग देखी गई, थोड़ी सी उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई. सो फार 19 टाइगर्स रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री अंडर दिस प्रोजेक्ट कवरिंग ओवर 29,716 square meters ऑफ फॉरेस्ट एरिया. तो ये देखा गया क्या कि 29,716
116 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जंगल के एरिया में 29,716 किलोमीटर जंगल के एरिया में 19 टाइगर्स जो थे उनको रिजर्व किया गया, यानी कि उतने एरिया में सिर्फ और सिर्फ 19 टाइगर्स थे उनको रखा गया। Some of the place where tiger can be best seen in their natural surrounding, more the national park at Kanha, Bandhavgarh, Bandipur, Ranthambore, Mansa and Kanjiranga. तो कुछ नेशनल पार्क जो थे उनके लिए रिज़र्व किए गए उन टाइगर्स के लिए, उनके लिए बेस्ट जो नेचुरल सराउंडिंग थी, प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट था उनको दिया गया। पार्क का मतलब ये नहीं है कि वो पार्क था, बट वो ऐसे पार्क थे जहाँ पर पशु पक्षी अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से शिकार कर सकते थे। तो वो नेशनल पार्क्स थे, पार्क थे मतलब कान्हा, बांधवगढ़, बांदीपुर, रणथंबोर, मानस एंड कांजीरंगा। इन पार्क्स में इन टाइगर्स को सेफ रखा गया। सो आज के लिए इतना ही। आप इस लेसन को पढ़ें, समझें, बहुत अच्छा लेसन है, टाइगर्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।